नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है। दोस्तों, बात करें तो सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम थे जिन्होंने अपनी आवाज़ और गानों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी। उनके गानों के व्यूज़ और उनके गानों की गूंज विदेश तक सुनाई देती थी, लेकिन साल 2022 में सिंगर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। फैंस आज तक उन्हें भुला नहीं पाए हैं, लेकिन अब सिंगर के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। सिंगर के पेरेंट्स जल्द ही अपने घर में एक नन्हे मेहमान का वेलकम करने वाले हैं। जी हाँ, बात करें तो प्रेग्नेंट है दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मियाँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर में जल्द ही बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। सिंगर की मां चरण कौर प्रेग्नेंट है। मूसेवाला पेरेंट्स जल्द ही अपने घर में नन्हे मेहमान का स्वागत करने वाले हैं। IVF की मदद से सिद्धू मूसेवाला की मां प्रेग्नेंट हुई है और वो मार्च में अपने बेबी को जन्म देगी। इस खबर को सुनने के बाद जहां हर कोई हैरान है, तो सिंगर के फैंस खुशी से झूम उठे हैं। उनका मानना है कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला का फिर से पुनर्जन्म होने वाला है। हालांकि सिंगर के पेरेंट्स ने अभी तक इन खबरों को कंफर्म नहीं किया है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी मौत से उन्हें गहरा सदमा लगा था। परिवार अब तक अपने घर के चिराग की मौत के गम से बाहर नहीं निकाल पाया है। ऐसे में सिंगर के पेरेंट्स के फिर से मम्मी पापा बनने की खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। कम उम्र में बनाया था बड़ा नाम। सिद्धू मूसेवाला की बात करें तो उनका जन्म 17 जून 1993 में हुआ था। सिंगर का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, लेकिन लोग उन्हें सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानते थे। कम उम्र में उन्होंने अपनी तगड़ी पहचान बनाई थी। उन्होंने कई हिट गाने गाए थे, लेकिन उन्हें गैंगस्टर रैप सॉन्ग के लिए जाना जाता था। विवादों से था नाता पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में। सिद्धू मूसेवाला को विवाद सिंगर के तौर पर भी जाना जाता था। उन पर खुलेआम गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप था, लेकिन फिर भी फैंस उन पर फिदा रहते थे। मगर 29 मई 2022 वो दिन था जब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की शान कहे जाने वाले सिद्धू मूसेवाला जिंदगी की जंग को हार गए। कुछ गुंडों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो एक बड़ी खबर थी। बाकी इस खबर पर आप किस तरीके से प्रतिक्रिया दर्ज करेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।